घूमने के लिए, नया साल का आरंभ है तो नया साल में हम घूमने के लिए जा रहे हैं हमारी फैमिली के साथ। एक दर्शक मतलब एक मंदिर में जा रहे हैं क्योंकि समथिंग एक शिव जी का मंदिर है। अभी हम पहुँच गए हैं मंदिर, देख सकते हैं यहाँ पे इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, इतना भीड़ है यहाँ पे कि पूरा लाइन पे खड़ा रहना पड़ा। मंदिर में आपको चार्जेस लगा हुआ, जैसे कि पार्क में एंट्री करने के लिए एंट्री चार्जेस लगता है, यहाँ पे 150 पर है, यहाँ पे एंट्री चार्जेस लगता है। मेरा हवा व्यापार है क्योंकि इतना भीड़ रहता है, शाम से खड़े हैं और भी अभी देखते हैं रात हो गई 4-5 बजे से हम खड़े हैं अभी रात शाम के और लोग आगे जाए, फिर भी इतना भीड़ और यहाँ का जो अंदर है और रिपोर्ट के बारे में अंदर में भी अंडरग्राउंड होता है उसमें बहुत सारे पोस्टर्स लगाए हैं, बहुत सारे आरती यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे 150 जो एंट्री चार्जेस लेते हैं ना उनके कुछ बेनिफिट भी रहते हैं, जैसे कि हम लोग प्रसाद खरीदते हैं 100 रुपीज़ यहाँ पे प्रसाद में भी लग जाता है, प्रसाद में 2 नारियल 2 केला रहता है और 200 अगरबत्ती रहता है और 100 रुपीज़ रहते हैं। और यहाँ पे इतना टर्निंग है ना, अंदर जाते जाते तो लाइन इतना आगे बढ़ जाता है, अंदर जाते जाते ही 1 घंटा समय लग जाता है, टर्न पर ऐसे जाकर लास्ट में हम लोग पहुँच ही जाते हैं। वहाँ पर कहीं भी चप्पल क्या बोले, मेरे लिए पैसा नहीं लेते, जो टुकन देते हैं उसको टिकट देते हैं 100 रुपये पर है। 100 रुपये में क्या होता है ना, वहाँ पे मिनिमम 10 टाइप्स ऑफ जो कि आपको पे करना नहीं पड़ता, मतलब सॉरी खरीदना नहीं पड़ता, वहाँ पे सब कुछ आपको लोग देते हैं, चप्पल रखने के लिए 100 रुपये में आता है। इसके बाद वहाँ से एक क्या होता है, फिर उसके बाद जाके पानी के लिए पानी उसको मोड़ के रखो पॉकेट में मोबाइल। ठीक है ना, चलने दीजिए, एक एक करके उठेंगे। गए
प्रसाद ले रहे हूँ ये क्या है अमरनाथ आंटी जी आंटी जी प्लीज की मूवी सो मच